निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। सुबह सुबह के टाइम में मैं अपनी बिटिया को छोड़ने गया, मदर को छोड़ने गया, तो आज जो मार्केट और बाजार में जिस तरह का कोहरा है उस हिसाब से मतलब ये लग रहा है कि अजमेर में भी कश्मीर की तरह ठंडक हो चुकी है। और उस स्थिति में बच्चों का सुबह उठना और तैयार होकर स्कूल जाना बहुत टिपिकल लगता है। परिवार में सब जने सुबह के हिसाब से हर बच्चा उठ नहीं पाता है, तो थोड़ा स्कूल का टाइम चेंज किया जाए। जिस तरह की ठंड है उस हिसाब से हर आदमी हर गली गुचड़े पे, दुकान पे, पान की कैबिन पे, होटलों पे आग ताप कर अलाप किया जा रहा है, तो ठंड व्यवस्था बढ़ती जा रही है। उस तरह से प्रशासन को देख के इस बच्चों के स्कूल पे और भी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और आज की ठंड की तो कह ही नहीं सकते। जिस स्थिति में मैं सुबह गया था अपनी बच्ची को छोड़ने, टिटोरे बिना नहीं रह गया, हाथ पैर ऐसे हो गए जैसे कहीं कश्मीर में मैं गाड़ी पे गया हूँ। स्कूल में भी बच्चों की स्थिति सब दो दो सूटर, स्कूल के तो टीचर वीचर कह देते कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में आओ, तो स्कूल यूनिफॉर्म में ठंड नहीं दबती है। तो उस हिसाब से प्रशासन को देखना चाहिए, थोड़ा स्कूलों का टाइम चेंज करना चाहिए, थोड़ा बस यही है। ठंड जिस हिसाब से, मेरा घनश्याम शर्मा। भैया आज सुबह बच्चों को छोड़ने गया था, बच्चों को आगे बिठा रखा, उनको पीछे से बिठा रखा, मैं उंगलियां काम नहीं कर रही थी, तो उस दरमियान बाइक पर बच्चा कैसे लेके जाता। मैं बच्चों को पीछे बिठाया, बांधा, फिर बच्चों को छोड़ गया, तब भी बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि भाई पापा मैं बाय या हाय कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। यहाँ तक आता कि मेरी उंगलियाँ भी काम नहीं कर रही थी कि मैं उनको बाय कर सकूँ। ऐसी सर्दी मैंने कभी नहीं देखी। आज अजमेर में सर्दी कैसी हो रही है? अरे भैया मत पूछो, कश्मीर बन चुका है, तो इतनी ठंड है, इतनी ठंड है भैया। बड़े हम अपन बड़े हैं, उंगलियाँ काम नहीं कर रही है, तो सोचो बच्चों को और जो बूढ़े हैं उनका क्या हाल होगा। भगत जी राजेश सरदार है, ठंडक की वजह से हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं अभी। कैसा हो रहा अजमेर से, कश्मीर बन गया? बिल्कुल कश्मीर की तरह हो गया, बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, बिल्कुल कश्मीर बना हुआ है। आपका नाम? भगत सिंह। यहाँ पे कश्मीर जैसा लग रहा है अभी, बहुत सर्दी है, बहुत ठंड लग रही है। और गुजरात में ठंड पड़ती है सी? नहीं इतनी नहीं है। मौसम अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? मौसम बहुत कश्मीर जैसा लग रहा है, हिमालय में चले गए ऐसा लग रहा है यहाँ पे अभी। और अभी आप क्या कर रहे थे? बस ये आग आग, से आग जला के हाथ चल गुजरात में करते थे। नहीं नहीं ठंडी नहीं आवा। आपका नाम? रजनीकांत।